मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 11/4/2023 के महावाक्य, बाबा कहते मीठे बच्चे जीते जी मर्जीवा बनो। हम अशरीरी आत्मा है, यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। जीते जी मर्जीवा बनो। हम अशरीरी आत्मा है, यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। प्रश्न, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? उत्तर, जो संपूर्ण सरेंडर हैं वह देही अभिमानी होंगे। ये देह भी हमारी नहीं, अभी हम जैसे कहते हैं ना, अकेले आए अकेले जाना, कहते हैं अशरीरी आए अशरीरी जाना। अभी हम अशरीरी बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। ये मेरा मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर के रहना है, रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। बाबा कहते मीठे बच्चे मेरा बनकर सबसे ममता मिटा दो, धंधा दौरे भी करो, संभालो माँ बाप की पालना का कर्ज भी उतारो, परंतु बाप की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर के रहो। गीत, धर पे आए हैं कसम लेके, जान हथेली पे लेके हम ना जाएंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है। जो बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं, इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद फिर टीचर या गुरु करते हैं, ऐसे भी नहीं सभी लौकिक गुरु करते हैं। बाप कहते मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो उनके वहाँ लेके जाते हैं, क्रिश्चनराइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले तो हम बाप के बनते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात आत्मा उनका बनती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए, जो मेरी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है ना, भूलते हैं। मरने के बाद सब कुछ भूल जाता है। बाप कहते मीठे बच्चे कितनी बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा है, ये पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं, आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़ी बनी है, बलबाप की बने हो। परंतु बाबा कहते तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमोप्रदान होने के कारण एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकती, माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया आत्मा तो उड़ती कला में जाती, तो बाप कहते सबसे तीखी जाती है ना फ्लाइंग, उससे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा एक सेकंड से उधर वहाँ पहुँच सकती है, आत्मा से कोई पहुँच नहीं सकता है। पिछाड़ी में मच्छरों दृश्य सब आत्माएं भागती हैं, कहाँ जाती हैं, बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, वहाँ से फिर लौटना नहीं है। उनके रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुँच नहीं सकते, तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है।
चट चले जाते हैं, आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब तक चुकतु कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस क़यामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सब आत्माओं को हिसाब तक चुकतु कर जाना है। अभी तो सब आत्मा मैली माना पाप आत्मा है, यहाँ ही जन्म लेती रहती है। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्ट्रेस को पार्ट बजाने वहाँ से आना जरूर है। सबकी आत्मा स्टेज पर आनी है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाने घर में थोड़ी बैठ जाएंगे, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहाँ से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए मर्जीवा बनना है। हम आत्मा हैं ये निश्चय रखना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देवी मान में आ करके भूल जाते हैं। बाबा कहे, देवी मानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा, ये सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ। ये देह जैसे कि हमारी है ही नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा, मैं आपका हूँ। बाबा कहते, मेरापन और सबसे ममता मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर के बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा धूरी भी करना है, घर बार संभालना है, बच्चों का कर्ज उतारना है, माता पिता की सेवा कर उनका हजूरा उतार देना है। माना जो कर्ज है, जो जिम्मेवारी है, बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है। अब ये तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं, सब कुछ दे दो। उनसे भी तुम्हारी पालना भी होती है। ये शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए सभी ने झट सरेंडर किया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। फिर उस धन से बिगड़ छुट्टी पैसा आदि किसी को नहीं दे सकते हैं। जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी है ना, परंतु यथार्थ तो कुछ है ही नहीं, सही तो है ही नहीं, परंतु बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता ही नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ पतित पावन बाप आकर के सारे सृष्टि को, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। अब ये तत्व आदि सब दुश्मन हैं, माना सैन कुछ नहीं होता है ना, अर्थवेक होगी, तूफान लगेंगे क्योंकि तम प्रधान है, नेचुरल कैमिटीज आएगी, बहुत दुख देगी। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं, सतयुग में है ही सब सुख की चीज़ें। वहाँ ये तूफान व गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं है। बाबा कहते, तुम्हारे में भी ये बहुत थोड़े समझते हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझता था, भले यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे कि बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल है ना, बड़े फूल हो तो उनमें फल भी आवे। फल आ जाता है तो दूसरे को आसमान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने तो फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं पंडा बन बाबा पास आए, बस हम पहुंच गए, नहीं। बाबा कहते, मंजिल है बड़ी। कहते हैं, माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे, तुम बाप के बच्चे बने हो, तूफान तो आएंगे। कहते हो, बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए,
फिर आकर के आपका बना हूँ। मैं तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और आसमान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे, अपना वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए, तो गद्दी पर बैठे। बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर बाबा कहते फारगति दे देते हैं। बुद्धि का युग टूटा, खेल ख़त्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान ना लगे। उनको तो रास्ता बतलाते ही रहते हैं कि बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा है जो एक मारे दूसरा एक ही थप्पड़ खाता रहे। जरूर दोनों में हिम्मत होगी, थप्पड़ एक वह लगाएंगे तो 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते होंगे। ये भी बॉक्सिंग है, बाप को याद करते रहेंगे तो माया भगवंती भाग जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा ना। माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। कोई भी हो बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। बल बाबा कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है, पहले योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरो नहीं, विश्व का मालिक बनते हो। 16108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानी है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इतने 16108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि पाते जाते, वह सब बनते यहाँ हैं। चांस भी अभी बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं ना, कब नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, तेरा दर कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर बाबा कहते हैं, ये सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं, हमारा सब कुछ आपका ही है। कहते हैं ना कि ये सब कुछ भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं, ये तो सब खत्म हो जाना है, विनाश तो होता रहता है, तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हो। तो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, हमको याद करो, सभी सरेंडर करो। बाप कहते, इन सब शास्त्रों आदि का तुमको सार समझाता हूँ, जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह तो समझते हैं। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको ये समझाता हूँ। मैंने कल पहले भी तुमको राजयोग सिखा कर राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखाए, राजा रानी तो बना ना सके, फिर गीता सुनने से क्या फ़ायदा। बाप तो कहते हैं, मैं खुद कलप कलप आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे, तो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बिगर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेनी है। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मिल देते हैं, शाहूकार दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे कि जनक का नाम है, दादी जानकी जी का, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हो। शाहूकार लोग प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो। बाप हैं गरीब निवास, सबसे गरीब माता हैं, उनसे भी जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वे सब छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही किया जाता है। भारत है सबसे गरीब,
अमेरिका शाहूकार है वहाँ तक, उनको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे शाहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन था और मैं वन सार्वंटी वे वन रिलीजेंट वो लैंग्वेज स्थापन करता हूँ, मैंने एक धर्म एक भाषा एक ही सब कुछ तब बागती में स्थापन करता हूँ। वन आलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं, वन से फिर टू भी होगी, थ्री भी होगी, फोर भी होगी, अभी कितने धर्म हैं, फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए ना। 5000 वर्ष की बात है, मनुष्य समझते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया, दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है तो मनुष्य मुन जाते हैं, वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है, फिर यहाँ आकर के राज्य करेंगे, ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया खच्चा खा जाएगी। बाबा के पास समाचार आते हैं, फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा जो बस मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, मैंने जो साधु सन्यासियों को ज्ञान सुनाया, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं है, जानते कुछ भी नहीं है। मनुष्यों को जो आया सो लिख दिया, बंदगी तो बहुत करते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और ये है ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की कोई बात नहीं है। झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते। आजकल तो झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकले हैं जो छप सच को छिप गया है ना। तुम किसी को सच सुनाते हो तो जैसे मिर्ची लगती है। अरे मोस्ट बिलीव्ड बाप से तो वर्षा लेना है, वह फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, फिर इतने कंगाल क्यों बने? हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं हैं? नरक के मालिक कैसे बने हैं? गॉड तो रचयिता है ही नरक दुनिया, मना कि गॉड तो रचयिता है नई दुनिया का, वे बाबा तो नई दुनिया रचते हैं ना, ऐसे नहीं कि वे पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बाप पुराना घर थोड़ी बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे ख्याल तो चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के विघ्नों से डरना नहीं है, बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। माया के विघ्नों से डरना नहीं है, बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन, बाप को याद करना है। ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बनना है। वरदान, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थ संपन्न भव। मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थ संपन्न भव। जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक ही बार भी मेरा बाबा कहते हैं, तो रहम की सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थि भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती है। स्लोगन, जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार नहीं हो सकता। जो बाप के प्यारे हैं
उनका अन्य माना दूसरे किसी व्यक्ति या वैभव से प्यार नहीं हो सकता। बाप हम बच्चों को समझाते अगर दूसरों से प्यार करेंगे तो बाप के प्यारे नहीं होंगे। तो बाप हम बच्चों को आज समझाया कि बच्ची रहम की दृष्टि और विघ्नों से डरना नहीं है, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।